गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। सुप्रभात बच्चों, बेटे आज हम आपकी मॉर्निंग हिंदी व्याकरण का के चैप्टर फर्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, एक्सप्लेन किया भाषा और व्याकरण, इसके बेटे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बेटे, आपके ये जरा सोचिए और बताइएगी आपके मौखिक प्रश्न हैं। मौखिक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न देखिए, अगर हम भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें तो क्या होगा। इसका आंसर देखिए बेटे, इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखिए, अगर हम भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें तो विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, अगर हम विचारों का भाषा का प्रयोग करना बंद कर दें तो विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। ये बेटा आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, फोन पर बातें करते समय आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा, हम फोन पर बात करते वक्त तो मौखिक रूप का प्रयोग, भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारा व्याकरण से परिचित होना क्यों आवश्यक है। हमारा व्याकरण से परिचित होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। एक बार फिर से देखिए बेटे, हमारा व्याकरण से परिचित होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। बेटे ये आपके तीनों मौखिक प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषा किसे कहते हैं। ये इसका आंसर बेटा आपके एक बार फिर से का पहला पॉइंट है, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं, नाम लिखिए। इसका आंसर है, भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला प्रश्न है आपका, बोली किसे कहते हैं। बोली किसे कहते हैं बेटे, इसमें आपका तीसरी लाइन है आपकी एक बार फिर से की, क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग होने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोग होने वाली भाषा को बोली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिखित लिपि की परिभाषा लिखिए। आपको लिपि की डेफिनेशन लिखनी है, ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये क्या है आपकी, लिपि की परिभाषा, जो आपको अच्छे से लर्न भी करनी है। तो बेटे ये चारों प्रश्न आपके हो गए। ये एक बार फिर से के चार पॉइंट है, तीन तो कंटिन्यू है, एक स्किप करके आपका अगला पॉइंट है। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें क्या करने हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स फील करने हैं। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है, इसमें भाषा आएगा। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22। व्याकरण भाषा के रूप की जानकारी देता है। कौन से रूप की जानकारी देता है बेटे, शुद्ध रूप की। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है, फारसी। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है, बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। ये इसका ये बात सही है या गलत, तो इसका आंसर सही है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है गलत, क्योंकि हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। उससे भाषा के तीन रूप होते हैं, सही। पत्र लिखना भाषा के का लिखित रूप है, सही। चीन में जर्मन भाषा बोली जाती है, गलत, क्योंकि चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों का के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देवनागरी लिपि निम्न में से किस भाषा की लिपि नहीं है, अंग्रेजी भाषा की लिपि नहीं है, अंग्रेजी पे टिक मार्क करेंगे। इनमें से कौन सी एक बोली है, भोजपुरी एक बोली है, मराठी और बांग्ला भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा विदेशी है, विदेशी भाषा कौन सी है, फ्रेंच।
ये रचनात्मक कार्य के प्रश्न देखिए, पता लगाइए कि निम्नलिखित चीजों में से किस तरह की आवाजें निकलती हैं। जैसे रेलगाड़ी छुक छुक करती है तो चिड़िया कैसे करती है, ची ची, बिल्ली कैसे करती है, म्याऊ म्याऊ, और झरना झरझर, कोयल की आवाज कू कू। ऐसे ही अगला प्रश्न है बेटे, निम्नलिखित राज्यों में बोली बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। बेटी आपके बुक के प्रश्न सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके चैप्टर में से निकाले हैं नोट्स के रूप में, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो कुछ इस तरह से हैं, उन्हें देखिए। इसमें पहला प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करके आपको इन्हें करने हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, विदेशी भाषाओं के कुछ उदाहरण दीजिए। विदेशी भाषाएं हमारे देश में कौन कौन सी हैं, विदेशी भाषाएं, तो विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं, जर्मनी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, जर्मन, अरबी, फ्रेंच और अंग्रेजी। प्रश्न दो है, मौखिक भाषा के उदाहरण लिखिए, आपस में बातचीत करना, दूरभाष, दूरभाष क्या होता है, टेलीफोन या मोबाइल फोन पर बात करना, भाषण देना, स्पीच जिसे हम कहते हैं, पढ़ाना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। तीसरा प्रश्न है आपका भाषा की, भारत की राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। प्रश्न चार है आपका, लिखित भाषा के कुछ उदाहरण लिखो। लिखित भाषा के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो ये है बेटे, पत्र लिखना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखना लिखित भाषा के उदाहरण हैं। प्रश्न पांच है, सांकेतिक भाषा के प्रमुख उदाहरण, गार्ड का हरी झंडी दिखाना, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट, हॉर्न को काटता, ने का चिन्ह, इशारे से किसी को बुलाना या बातें करना आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। एक बार फिर से देखिए, गार्ड का हरी झंडी दिखाना, चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट, हॉर्न को काटता का चिन्ह, हॉर्न मतलब क्रॉस का चिन्ह जो हो जाता है ना, इशारे से किसी को बुलाना या बातें करना आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो बेटे ये कुछ क्या है, 6 क्वेश्चंस तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपको करवाए हैं। और आपकी जो बुक के प्रश्न है, चाहे वो लिखित हो मौखिक है, लिखित मौखिक प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, ये वाले और ये प्रश्न, ये 4 और 3 7 हैं आपके प्रश्न, और 6 प्रश्न आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, और बाकी ये खाली स्थान, सही गलत और पीछे वाले कुछ प्रश्न आपको आपकी बुक में ही फील करने हैं। ओके बेटा, आपको ये चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया, एक बार दोबारा इसका रिविजन हो गया है, अब आप इसे अच्छे से लर्न कर लेंगे, इसका टेस्ट मैं आपको जल्दी देने वाली हूँ। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लर्न योर चैप्टर केयरफुली। ओके बेटे, बाय बाय।